वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम में एनसीईआरटी क्लास में स्वागत है। तो आज दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों इसमें अंतिम वर्ष के को छोड़ सभी विश्वविद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। तो दोस्तों ये बड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसको बताने से पहले तो दोस्तों सबसे पहले जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो उसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में एक प्रेस का बटन होगा उसे एक बटन होगा उसे प्रेस कर लें, जिससे अगला जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा। ऐसी नई नई जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। आज जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वह ये है, अंतिम वर्ष के छात्र को छोड़ सभी विद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। कोरोना संक्रमण की नई लहर से देशभर में मचे हाहाकार के बीच सभी विद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों को छोड़ दिया है। हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण की इस लहर ने देशभर के जो भी विश्वविद्यालय हैं सभी को उनके फैसले पर छोड़ दिया। जो भी विश्वविद्यालय हैं किसी भी स्टेट के हों चाहे उनके ऊपर ही उनका फैसला छोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं, वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। तो दोस्तों वह अपनी जो उनकी कोरोना की जो स्थिति कोविड-19 की जो स्थिति चल रही है वह उसको देख कर ही उसका फैसला ले सकेंगे, परीक्षाएँ कब करानी है या नहीं करानी है, प्रमोट करने क्या करना है। हालाँकि अभी तक जो स्थिति उसमें है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों के बगैर परीक्षाओं की ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों जो दिया गया है ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में, तो दोस्तों केवल अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उन छात्र छात्राएं हैं उनको ही छोड़कर बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनको प्रमोट करने की बताया गया कि उनको प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने UGC की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर जो गाइडलाइन दी थी उसके आधार पर इसको तैयार किया है। तो दोस्तों जो पिछले वर्ष कोविड-19 की जो स्थिति थी उसके पिछले वर्ष जो सेशन था उसमें बताया था कि कैसे बच्चों को किस प्रकार उनको प्रमोट करना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को किस प्रकार प्रमोट करना है, उसी प्रकार को आधार बनाकर ही उनको प्रमोट किया जाएगा। UGC का कहना है कि दोस्तों कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में कम और ज़्यादा है, ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस बार कई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी तक नहीं बनाई गई हैं। इसके लिए आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के पिछले साल की परीक्षाओं नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारी की गई है, गाइडलाइन के आधार पर तैयार करने को कहा है। UGC का साफ कहना है कि यदि किसी विश्वविद्यालय को कहीं कोई असुविधा होगी तो उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसी बीच विश्वविद्यालय ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन या पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करने प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों यह जो हमारे जो भी सभी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने स्नातक जो ग्रेजुएशन के प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको आंतरिक आकलन या पिछले वर्ष के प्रदर्शन जो उनके पिछले साल जो उनके अंक आए होंगे उसके आधार पर उन्हें प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही हम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में दोस्तों, लेकिन जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं जो ग्रेजुएशन की जो स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वह जुलाई और अगस्त कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि अंतिम वर्ष को परीक्षाओं को लेकर अभी कोई फैसला जून के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। तो दोस्तों उसका निर्णय कोरोना संक्रमण जून का जो महीना निकलेगा इसके पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देख कर की फैसला लिया जाएगा। UGC के जो सचिव हैं डॉक्टर रजनीश जैन, दोस्तों UGC के जो सचिव डॉक्टर रजनीश जैन हैं उन्होंने मुताबिक विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं, ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई फैसला लेने का पूरा अधिकार दें। बता दें कि पिछले साल विश्वविद्यालय को परीक्षाओं को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, कई राज्यों ने UGC की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कराने की अनिवार्यता को चुनौती दी थी, बाद में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था दोस्तों, जिसके बाद कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को UGC के निर्देशों को मानना
मानना जरूरी बताया था। तो दोस्तों जो पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने सारा काम यूजीसी के ऊपर छोड़ दिया था तो उनका ये निर्देश मानना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी नई नई अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।